हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुण धवन को। जी हाँ, आज हम वरुण धवन से बातें करेंगे एंड इस माहौल में वरुण धवन जिस प्रकार की फिल्में करते हैं, हमने सोचा क्यों ना उन्हें ही लाया जाए ताकि आपका मूड भी ठीक रहे और हल्की सी मुस्कान भी आपके चेहरों पर आ जाए। तो लेट्स वेलकम वरुण धवन। हेलो वरुण, आपका कोमल लहाटा चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बस एकदम ठीक। कैसे कट रही है जिंदगी? बस कट रही है और मुझे बस खुशी इस बात की है क्योंकि मैं घर पे हूँ, सुरक्षित हूँ और मेरे जो माँ बाप है मेरे साथ है, जो भाई है मेरे साथ है, तो यू नो दैट सेफ्टी इज एवरीथिंग इन टाइम्स लाइक दैट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना समय एक साथ आप घर पे कभी नहीं रहे होंगे। बचपन में शायद डेफिनेटली, पर बड़े ओके तो नहीं, बट इट्स ऑल आई थिंक ये अभी जो हो रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग बस प्लान्स बनाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त हमें प्लान्स नहीं बनाना चाहिए क्योंकि भगवान हमारे लिए प्लान बना रहा है। तो मैं बस बैठ के ये समय काटना चाहिए, सीखना चाहिए। कभी कभी डर भी लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है? आई थिंक डेफिनेटली है कोमल, आई थिंक हम सब इसमें साथ में है। पूरी जो आपकी जिंदगी है एक तरीके से रुक गई है और स्पेशली हमारे देश में जहाँ देयर इज अ लेवल ऑफ पॉवर्टी आल्सो, सो आप चाहते हैं कि जिन लोगों का काम नहीं हो रहा है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे रोज, वो लोग अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं, तो एक एक उसके बारे में सोच के भी दुख होता है। सो आई गेस द गवर्नमेंट इज डूइंग एज मच एज दे कैन एंड आई थिंक वी ऑल हैव टू, बट जैसे कि मैंने कहा हम सब इसमें साथ में है इस वक्त, सो आई थिंक ह्यूमैनिटी इज समथिंग दैट हैज टू वर्क इन टाइम्स लाइक दैट। सही बात है। दिन कैसे गुजरता है आपका? एक टिपिकल लॉकडाउन वाला दिन क्या होता है आपकी लाइफ में? सो एक्चुअली मैं बहुत आई वुड से सालों से सोया नहीं हूँ। मैं सिर्फ 5 घंटे सोता था या 5.5 घंटे सोता था। सो आई बीन स्लीपिंग अलॉट, मैं प्रॉपरली सो पा रहा हूँ एंड घर पे बैठ के वर्कआउट होता है। आई बीन रीडिंग अलॉट स्क्रिप्ट्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, वॉचिंग बहुत फिल्में देख रहा हूँ मैं, बहुत जैसे कहते हैं हॉलीवुड के बॉलीवुड ओटीटी प्रोग्राम्स, बहुत दोनों। अच्छा, और इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी तो कोई फाइनल की, कोई अच्छी लगी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, क्योंकि आई थिंक वो एक यू नो कोमल, मैं एक ऐसे जगह पहुंच गया था अपने करियर में या जिंदगी में जहां मैं थोड़ा सा बर्न आउट हो गया था। यू नो व्हेन आई वाज जस्ट शूटिंग नॉन स्टॉप, मैं बस शूट पे शूट किए जा रहा था, वेदर दे वर माय फिल्म्स शोज, तो मैं ये सब होने के पहले ही मैं कोई फिल्म साइन करना नहीं चाहता था। द ओनली फिल्म दैट आई हैड लॉक्ड ऑन टू वाज ओनली द वन विद श्रीराम राघवन, जो मैं कर रहा हूँ, दैट्स डेफिनेटली उसके सिवाय देयर इज नथिंग कि मैं कुछ करना भी चाहता था। एंड देन ऑब्वियसली दिस द कोरोना वायरस हिट एंड स्टफ, बट अभी मैं आई एम रेयरिंग टू गो, आई कैन से दैट आई एम कंप्लीटली रेस्टेड, रिचार्ज्ड एंड मतलब मैं मर रहा हूँ सेट पे होने के लिए और काम करने के लिए। एंड देयर आर 3-4 सब्जेक्ट्स दैट आई हैव हर्ड व्हिच आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट। अच्छा, मगर फाइनल किसी फिल्म को अभी तक नहीं किया है? आई थिंक अभी इस दौरान हम लोग कैसे करें फाइनल कुछ भी, यू नो, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट इफ इट डिमांड्स दैट आप ओवरसीज जाके शूटिंग करें, यू कान मेक एनी प्लान लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे भी शूटिंग करना चाहते हैं, यू नीड VFX या एक्शन किसी और काइंड का, तो इट्स अभी थोड़ा डिफिकल्ट है प्लान बनाना, बट आई थिंक बहुत अच्छा वक्त है अभी एक एक्टर के लिए स्क्रिप्ट सुनने के लिए और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि वो क्या करना चाहता है और वो कैसे एक रोल को निभाएगा। यू नो, आपने सही कहा, इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। तो आपने इंट्रोस्पेक्शन में क्या पाया कि आपने कुछ अपने करियर मूव्स में गलतियां की है, क्या पाया? आई थिंक मोर देन एनीथिंग मुझे बस यही लगता है कि आज के टाइम में स्पेशली डेफिनेटली अ न्यूनेस इज नीडेड। जो भी होना है आई थिंक एन एक्टर हैज टू be able to do something new. अगर आप हाल ही में तानाजी भी देख लो, ओम राउत और अजय देवगन जी के, so उसमें बहुत ही नयापन था,
3D था, जिस तरीके से एक्शन, जिस तरीके से शूट किया गया था वो फिल्म, इट्स अ वेरी न्यू फिल्म फॉर हिंदी सिनेमा आई थिंक. इसलिए यू कैन क्रेडिट अ लॉट ऑफ इट्स सक्सेस टू दैट. या अगर आप गुड न्यूज देख लो, द फिल्म वॉज मेड बाय गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन ओनली, बाय शशांक एंड राज मेहता हु डायरेक्टेड इट. आई थिंक जिस तरीके से डायरेक्ट किया था और जिस तरीके का जो सब्जेक्ट था विच करण गॉट, आई थिंक दैट वॉज वेरी न्यू. सो आई थिंक नए सब्जेक्ट्स ही चलेंगे आगे जाके भी, एंड स्पेशली होपफुली जब ये सब खत्म हो जाता है, आई थिंक वी नीड पॉजिटिविटी इन अ न्यू वे फॉर श्योर. सही बात. आपको लगता है कि ये एक ऐसा दौर आया है जब पूरी दुनिया एक हो गई है, तो लोगों की लाइफस्टाइल में भी बदलाव आएगा, आपको ऐसे लगता है, या एक बार ये खत्म हो गया तो वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी दुनिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कोमल. आई डोंट नो. आई थिंक कि अगर आप बाहर देखें, अगर आप मतलब एनवायरनमेंट को देखें, तो बोल के जान नहीं सकते किधर. जो जो हम करना चाहते थे, मैं बिल्कुल बीच के सामने रहता हूँ, पर मैं बीच पे जा नहीं सकता. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल राइट नाउ, मतलब मुझे दूर से दिखाई देता है, जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई होप कि हम लोग पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है. Yeah, all out and playing. I just hope कि ये सब जब खुलता है, then we all respect the environment and respect animals a little more. वो करना बहुत जरूरी है, वो एक सीख है, आई थिंक हमें सबको लेना चाहिए, एंड वी शुडंट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड. सही बात है. यू नो, इन डिफिकल्ट डेज में आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है वरुण, और वो ये कि स्ट्रीट डांसर की व्यूअरशिप Amazon पर जैसे यू मानो नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है. क्या मैं सही कह रहा हूँ? नो, दैट्स बीन ऑनेस्टली, एक एक्टर को और क्या चाहिए कि लोग उसकी फिल्में देखे. सो दैट्स बीन अ रियली हैप्पी थिंग दैट वी ऑल एक्सपीरियंस, दैट सब लोग फिल्म देख रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में लोग फिल्म देख पा रहे हैं, एंड दैट्स थैंक्स टू Amazon Prime. एंड जस्ट द मैसेजेस वो बहुत हार्ट वार्मिंग रहे हैं. जितने भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं Instagram पे या सोशल मीडिया पे, या इफ समवन फ्रॉम द Amazon टीम पर्सनली मैसेज करके बोलता है कि बहुत अच्छा कर रहा है, सो इट फील्स गुड. या एंड सोशल मीडिया पर आप जितना टाइम अब स्पेंड कर पा रहे हैं, वो कितना गुना बढ़ गया है इन दिनों में, पिछले 10 12 15 दिनों में? एक्चुअली थोड़ा कम हो गया है, बढ़ नहीं गया है. बहुत ज्यादा कम हो गया है. एंड आई बीन स्पेंडिंग मोर टाइम, जैसे कि मैंने कहा, आई स्पेंडिंग मोर टाइम रीडिंग और वॉचिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. मैं एक शो देख रहा हूँ, द मॉर्निंग शो, जो एप्पल प्रोड्यूस करता है, विच इज अनबिलीवेबल. And my dad wants me to watch all the Bimal Roy films. So abhi wo mera kaarya hone wala hai, sare Bimal Roy films dekhna. Achha. Aur aapki bhatije ke saath kitna time? Main actually Madhumati dekhne wala hu, Dilip saab ki Madhumati dekhne wala hu. Achha. Achha. Wow, lovely, lovely. Aapki bhatiji ke time, yani aapke brother Rohit Dhawan ki beti ke saath kitna time guzarte hain? Bahut zyada. I think she's the reason हम लोग सब बहुत ज्यादा खुश है घर पे, क्योंकि जैसे कि बच्चे जो है होते बहुत पवित्र होते, बहुत innocent होते, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है exactly. So she keeps us all entertained all the time. उसने आपकी कौन सी फिल्म देखी है? वो अभी बहुत छोटी है, तो उसे फिल्में नहीं बट गाने सुनाते हैं. So, अच्छा, और कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उसको टंटनाटन टंटन टारा बहुत पसंद है. वो भी है चाचू सॉन्ग, चाचू सॉन्ग. आपके डैड यानी डेविड धवन साहब भी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं? आई थिंक कोमल, यू नो हिम वेरी वेल, यू नो हाउ रेस्टलेस अ सोल ही इज, तो इमेजिन हाउ ही मस्ट बी. बट ही इज बीन गुड एक्चुअली. उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है ये ब्रेक में, टचवुड, ये क्वारंटाइन टचवुड में, क्योंकि touch wood for that, because unke sare jo dusre ailments hai, he's been taking care of himself, and that's a blessing for us. Aur Cooley jo hai basically last stage mein thi, to wo bas uske upar hi kaam kar rahe the. He's obviously looking for other scripts, but right now jo discussion hoti hai to Cooley number 1 pe hi hoti hai. The editing to khatam ho gayi na, shooting to khatam ho gayi na. शूटिंग खत्म हो गई है, एडिट खत्म हो गई है, और डबिंग भी खत्म हो गई है.
अच्छा, यानी जैसे ही सिनेमास खुलते हैं अगर माहौल ठीक रहता है तो आपकी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है, ये कहना सही होगा? या डेफिनेटली वी कुड, हम लोग मई फर्स्ट के लिए स्लेटेड थे टू रिलीज ऑन लेबर डे, बट मेन थिंग इज कि सब लोग सेफ रहे एंड आई थिंक कि सिनेमा घर जो है वो लास्ट खुलेंगे क्योंकि वो कम्युनिटी व्यूइंग होती है. सो द मेन थिंग इज कि जब सब लोग यू नो सेफ रहेंगे तभी हम लोग ये फिल्म लेके आएंगे. आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है फिल्म इंडस्ट्री को वापस ट्रैक पर आने के लिए? बहुत ही कठिन सवाल है ये कोमल. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. जस्ट आई थिंक पहले तो नॉर्मल लाइफ वापस आ जाए, जो जिन लोगों की रोजी रोटी, जो आम लोग हैं जो बिल्कुल रोजाना के काम करते हैं, फर्स्ट डे लाइफ हैज टू कम बैक. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक सेफ्टी वापस आनी चाहिए. आई थिंक फिर मेरे हिसाब से जब क्रिकेट वापस आएगा, व्हेन आई थिंक इट्स सेफ टू प्ले द आईपीएल, दैट टाइम इट विल बी सेफ कि हम लोग थिएटर जा पाएंगे. ओके, आई वुड लिंक इट टू क्रिकेट. जी जी वरुण, अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज वाइज तो आपका जवाब क्या होगा? दिन में परसेंटेज टाइम कितना आपका किस चीज में लगता है? एक्सरसाइज रेजिमेन, फिल्में या टेलीविजन या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शोज देखना, बच्ची के साथ खेलना और मी टाइम, कुछ भी नहीं करना, सोना? आई थिंक इस वक्त तो डेफिनेटली इट वुड बी ओटीटी एंड फिल्म्स, क्योंकि बहुत वक्त से मैं फिल्में और ओटीटी से बहुत दूर रहा था, तो अभी मुझे बहुत वक्त मिल गया सब कैच अप करने के लिए. सो आई हैव जस्ट बीन वाचिंग स्टफ एंड रीडिंग स्टफ. ओके, सबसे ज्यादा वो एक्सरसाइज, आधा घंटा एक घंटा? अच्छा 40 मिनट, 40 से 50 मिनट. अच्छा, जो कि आप पहले भी करते थे? हाँ जी, वो तो करना ही पड़ेगा. मैं exactly. इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे पसंद है करना, तो इसलिए मैं करता हूँ. और आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कब खुलेगा ये? When will we be able to release films? मुझे लगता है जब ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा, यानी इंडिया वापस काम करने के लिए तैयार होगी. सिनेमा और होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि वहां पर जैसा आपने सही कहा, कम्युनिटी व्यूइंग, कम्युनिटी मतलब लोगों के साथ बैठ के एक ही जगह पर एक एनक्लोज स्पेस में बैठ के या तो फिल्में देखते हैं या खाना खाते हैं, उसमें मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा समय लगेगा. एंड किस तरह से इंडिया खुलता है वापस, किस माहौल में, कितना भय कितना डर दूर हो जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी लोग सिनेमा घर तक आने लगेंगे. हो सकता है उसमें 1.5-2 महीने भी लग जाए, और आप जैसी फिल्में जो पूरी नंबर वन है या सूर्यवंश की है, ऐसी फिल्में केवल इंडिया के लिए नहीं ओवरसीज मार्केट के लिए भी बनी है. तो आपकी फिल्मों को रिलीज होने के लिए जरूरी है कि वर्ल्ड सिनेमास खुल जाए, उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा समय लगेगा. आई डोंट नो व्हेदर आई एम राइट, आप सहमत है इस बात से? आपको अभी भी लग रहा है 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, 2 महीने मिनिमम, उससे ज्यादा लग सकता है, कम तो नहीं. अच्छा, खुलने के बाद? खुलने के बाद नहीं, खुलने के बाद नहीं, खुलने तक नहीं, खुलने के बाद ही, खुलने के बाद 1-1.5 महीना लग सकता है, लेकिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी कुछ बोला नहीं जा सकता, बिकॉज एवरी डे एक न्यू हालात हो जाते हैं, एक नई नया एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. तो अभी तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड है, मेरे ख्याल से सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर नॉर्मलसी रिटर्न हो जाए. आई इंडस्ट्री, द फिल्म इंडस्ट्री, मुझे बस ये, मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी कि आई होप कि ये साल हमारी फिल्में रिलीज हो पाए. दैट्स ऑल, दैट्स द, मैं वैसे सोचता, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मतलब 1 महीना 2 महीना 3-4 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर जब नहीं होता है ये चीज, देन यू आर वेरी डिसहार्टेंड. तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख रहा हूं मेरा. सही बात है. और वरुण, आखिरी सवाल, कौन कौन से दोस्त है फिल्म इंडस्ट्री के, यानी स्टार दोस्त या फिल्म मेकर दोस्त, डायरेक्टर्स, या जिनके टच में आप बहुत ज्यादा रहे हैं इन लास्ट 10-12-15 दिनों में, टेलीफोन पर ऑफकोर्स? सो दिनेश विजन के साथ में मेरी बातचीत होती रहती है, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो. ऑब्वियसली करण सर के साथ भी होती है, एंड
सरप्राइजिंगली हर हफ्ते अनुष्का शर्मा मेरे पे चेक करती है, शी सेंड्स मी अ मैसेज, आर यू ओके, आर यू लूजिंग योर माइंड, आर यू ओके, शी इज वेरी वेरी स्वीट एंड इज अ गुड फ्रेंड. और आई थिंक बिसाइड्स दैट आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अ लॉट टू शशांक, के साथ बात होती रहती है, शशांक खेतान, खेतानिया एंड अर्जुन और कटरीना के साथ. अच्छा अच्छा. और आपके फर्स्ट फिल्म के कोस्टार्स आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ? नहीं, मेरी बातचीत तो नहीं हो पाई है उनसे. आई होप दैट दे आर सेफ एंड होप दैट दे आर हैप्पी. और लेटेस्ट फिल्म की कोस्टार, और लेटेस्ट फिल्म की कोस्टार सारा अली खान के साथ, कुली नंबर वन की आपकी हीरोइन? उससे बात हुई थी यस्टरडे ओनली. अच्छा. मैं उससे वही मस्ती कर रहा था कि तुम जो मार्केट में घूम रही थी, उसका एक वीडियो था जहाँ वो मार्केट में घूम रही थी और दिखा रही थी हमें कि बनारस में मार्केट कैसी थी. अच्छा, अब तुम्हें कैसे लग रहा है वहाँ पे घूमना? She's a very sweet girl and but I think you know, जब आप एक चीज पे काम करते हैं, स्पेशली एक फिल्म पे, जब हर कोई बहुत मेहनत करता है फिल्म पे, बट ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा कूली नंबर वन करना सारा के साथ. एंड वी बोथ वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड की एक you know that people would get to see something of the film, kyunki hamara trailer jo tha wo actually aaj release hota. We were planning to do the trailer launch today. Koi baat nahi, ab tak logo tak aapki ye baat zarur pahunch jayegi. Varun, yes, wishing you the very best. Safe rahe, surakshit rahe, aapke mummy papa ko namaskar, Rohit ko dher sara pyar, Rohit ki wife ko hello, and aapki bhatiji ko bhi आपकी तरह बहुत बहुत प्यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू कोमल. और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इंटरव्यू करें, हम लोग आपके स्टूडियो में कर रहे होंगे. यस, आमने सामने स्टूडियो में कर रहे होंगे. बट लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड बी सेफ कोमल. बहुत अच्छा लग रहा है आपका चेहरा देख के, आप खुश लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं बहुत, मैं कहना चाहूंगा. वेरी गुड. थैंक यू अरुण. थैंक यू. टेक केयर कोमल. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. सी यू सून. मैं सी यू. सी यू. तो दोस्तों, ये थे वरुण धवन. आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने वरुण धवन से ढेर सारी बातें की, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा. एंड हमें ये भी बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं, गुड हेल्थ में हैं, ठीक से खा रहे हैं, ठीक से सो रहे हैं, ठीक से अपना ध्यान और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं. एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल राइट नाउ. थैंक यू. शुक्रिया.